अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये थ्री टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है इस क्लास में। एक है रेशनल नंबर्स, इनको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, ठीक है। फिर है इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर्स, एक रेशनल नंबर है उसका दूसरा इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है, या उसका इक्वल हम कैसे फाइंड करते हैं। तीसरा जो टॉपिक होगा इसमें वो है रिसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसलिए मैंने सोचा कि सबको एक ही जगह पे कर लूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ सबसे पहले वाले पे, पहले वाले से। ये है रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमें रेशनल नंबर को तक जाना होगा, रेशनल नंबर्स, ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। अब आपके पास एक नंबर लाइन होगा जिस पे आपने रेशनल नंबर को शो करना है। अब अगर कोई भूल गया है कि रेशनल नंबर क्या है, तो मैं पहले जरा आपको इसकी वजाहत कर दूं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्म में होते हैं जहां पे पी और क्यू ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स होते हैं। एंड एंड जो नीचे वाला है यानी क्यू, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता, यानी आप 5/0 नहीं लिख सकते, ठीक है। ये इसका हुआ मुख्तसर सा तारुफ। अब आता हूँ नंबर लाइन की तरफ। तो नंबर लाइन मेरे ख्याल से दोस्त जानते होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर लाइन, ठीक है ना। तो उस पर हम बात करते हैं। ये आपके पास एक नंबर लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। आप ये कहते हैं कि इस पे मैंने रेशनल नंबर को किस तरह शो करना है, ठीक है ना। ये देखें, ये आपके पास नंबर लाइन हुआ ये वाला, आप कहते हैं इस पे मैं कैसे शो करूं, ठीक है ना। समझ लें कि एग्जांपल आपके पास है जो कि बुक में गिवन है, वो एग्जांपल एग्जांपल जो आपके पास है वो है, आप ये कहते हैं कि 1/4, ठीक है ना, यानी शो 1/1/4 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। अब 1/4, पहले आप ये देख लें कि जो 1/4 है इसका मतलब क्या है। ये 1/4 इसका मतलब क्या है, आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको कि यहाँ पे जीरो कर लें, यहाँ पे पॉइंट कर लिया, ठीक है, ये पॉइंट, तो 4 2 8 हो गया, फिर 2 रह गया और 0 हो गया, 4 5 क्या हो गया, और ये 20 हो गया, ख़त्म हो गया। अब आप कहते हैं कि ये 0.25 है मेरे पास, ठीक है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 1/4 को, 1/4 को ये शो करता है, ठीक है ना, क्या 0.25। अब इसको हमने शो करना है नंबर लाइन पे। तो जो नंबर लाइन की एक बात है वो ये है कि आप इसको जिधर मर्जी खींच सकते हैं, ठीक है ना, दोनों साइडों पे जितना मर्जी इसको लंबा कर सकते हैं। तो 1/4 का मतलब है कि ये पॉजिटिव है, पहली बात यह है कि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, मुझे नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको जीरो कह देता हूँ, ठीक है ना। फिर 1 2 3 4 4 मैंने बना दिए इसको 1, फिर 1 2 3 4 और फिर इसको मैंने क्या कहा 2, ठीक है, 1 2 3 4 इसको मैंने कहा 3, बस आगे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बहरहाल आप जाना चाहें तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया ये, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 5, ठीक है, और ये हो गया 6, ठीक है ना। अब हमने करना क्या है, हमने ये शो करना है कि इसको मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, हमने ये शो करना है कि 1/4 को हम इस पे कैसे शो करें, इस नंबर लाइन पे, ठीक है, ये हमारा काम है। तो देखें 1/4, अगर मैं ये कहूँ कि 1/4 मीन्स, ठीक है, 1 in 4 parts, ठीक है ना, आपके पास 4 parts हैं, कितने parts हैं, 4, तो ये देखें 1 part हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4, इसको मैं ऐसे लिखूं 1/4, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा 2/4, ये तीसरा हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4, जो कि इक्वल क्या होता है, 1 होता है, ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 1/4 चाहिए, तो ये 1/4 है आपके पास, ठीक है, आपने जस्ट ये करना है कि इसको आपने गोल डॉट बना देना है, बस ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है।
मैं इसका एक और एग्जांपल भी आपको देता हूँ जरा आसानी के लिए, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल होगा रिप्रेजेंट। आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसको, रिप्रेजेंट करना है फॉर एग्जांपल एक तो इसका अपना मसला है, रिप्रेजेंट क्या कहते हैं, चले हम कहते हैं 2/4 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। चले मैं पहले, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमने नंबर लाइन को शो करना है। ये देखें नंबर लाइन, इस दफा मैं ट्राई करता हूँ कि जरा इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, ताकि ये जो पॉइंट्स है ना ये आपको सही समझ आ जाए, ठीक है। ये देखें सबसे पहले जो है वो सॉल्यूशन की तरफ आप आएंगे, ठीक है। ये देखें सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन में ये है आपके पास 0, ठीक है। चले मैं ये करता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद मैं 1 कर देता हूँ, तो नेक्स्ट में मुझे सेम करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया कितना 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 4। ये मैंने इसलिए किया कि ताकि आपको जरा ज्यादा क्लियर हो, बड़ा बड़ा करके लिखा जाए तो आपको ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो आपने बोर्ड पे समझाना है, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने खुद से इसको समझना है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखनी चाहिए कि वो 0 से 1 तक सिर्फ 1 का फर्क है, तो 1 से 2 का भी सेम 1 का फर्क है, तो ये जो दरमियान में आपने डिस्टेंस लिया वो भी सेम होना चाहिए। 2 से 3 तक भी डिस्टेंस 1 है, तो आपने डिस्टेंस भी सेम लेना है। 3 और 4 से भी 1 का फर्क है, ठीक है, तो भी आपने जो डिस्टेंस है वो सेम ही रखनी है। अब देखें मैं ये कहता हूं कि ये 1 पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ और ये चौथा पॉइंट हुआ, ठीक है। आप ये कहते हैं, चलें अब हम आ जाते हैं इस पे 2/4 पे। 2/4 इसका क्या मतलब है कि 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स आपके पास है। इसको आप कहें कि 1/4, इसको आप कहें 2/4, ठीक है। ये मैं इसको जरा बड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देख लें, इसको कहें 3/4 और इसको कहें 4/4, ठीक है। 4/4 से क्या आएगा, ये देखें 4/4, ये आ जाएगा 1। ये अब क्या कहते हैं, 4 ज़ार 1, 4 4 ज़ार 1 4, तो ये 1 ही आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये आपके पास 4 पार्ट्स आ गए 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना, और ये सारे आप देखें रेशनल नंबर्स भी हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए था, 2/4, तो आपने 2/4 को ऐसे गोल डॉट बना देना है और उसके ऊपर आप ऐसे सर्कल लगाना चाहें तो बेस्ट है, ठीक है। ये आपने शो कर दिया कि ये 2/4 वाला पॉइंट है, और ये आपने रेशनल नंबर को शो किया किस पे, प्रेजेंट किया किस पे, ये इस पे नंबर लाइन पे, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं नेक्स्ट चलता हूँ कि आपको दिखा सकूं कि मजीद इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट इसको मैं दिखाऊंगा आपको जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास है ये ऊपर आप देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक ये था, ठीक है। दूसरा आपके पास है इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो मैं लिख लेता हूँ, ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये इस पे आते हैं कि इसका क्या मतलब है कि रेशनल एक नंबर है उसका इक्विवेलेंट आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं स्टार्ट लेता हूं, आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, ये ऐसे कि मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड डिवाइड, ठीक है ना, रेशनल नंबर विद सेम नंबर, ठीक है ना, सेम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, या सेम नंबर मैं कहूँ, या सेम इसको मजीद वाजे कर दूँ इंटीजर, ठीक है ना। ये अब एक इंटीजर से आपने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, कैसे, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। तो इसमें एक है कि आप
इसमें मोर कम्प्लेक्स फॉर्म में चले जाते हैं और एक है सिंपल फॉर्म में, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको समझा दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4/5, ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये आपको समझो कि ये एग्जाम्पल जा रहा है 4/5। इसका आप इक्विवेलेंट कैसे लेंगे, देखें 4/5 मल्टीप्लाई 3/3, तो 4 3 से मल्टीप्लाई करेगा 12 आएगा, 5 3 से मल्टीप्लाई करेगा 15 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों ये है इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स को मैं लिख लेता हूँ रेशनल नंबर्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है, क्यों, क्योंकि इसको दोबारा भी हम यही हमें दोबारा मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या चक्कर है, ये हम कैसे कर सकते हैं, मतलब इसके पीछे क्या पॉइंट है। तो पॉइंट ये है कि देखें 4/5, मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना, चलिए एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 4/5 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। तो 4/5 1 की जगह अगर मैं लिखूं 3/3 तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स है क्या, ये ट्रिक्स हैं। तो ये एक मैंने ट्रिक यूज की, आप 5/5 लिखें, 2/2 लिखें, 10/10 लिखें, मतलब तो एक ही है ना कि आपने एक्चुअली इस 1 से ज़रब दिया है, और 1 से ज़रब देने से फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो 4/3 12 और 5/3 कितना 15। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि गेम क्या चल रही है, ठीक है, यानी एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट कुछ एक गेम की है थोड़ी सी, और हमें अपने लिए एक आसानी पैदा करने के लिए सारा कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपको कोई भी रैशनल नंबर चाहिए, आप ज़रब और तकसीम करने से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है ना, हाउ टू गेट ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। आपके पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, रेशनल नंबर है, जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल आप ये कहें कि एग्जाम्पल वी हैव, क्या हमारे पास मौजूद है, हमारे पास मौजूद है 12/15, इससे पहले हमने कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर ये मौजूद है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, ये क्या होगा, ये है जनाब 4/5। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि आप इसको मजीद सिंपल नहीं कर सकते, मजीद इसको तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है, और ये मजीद कट नहीं हो सकता ऊपर नीचे, ठीक है। तो बस ये आपके पास फॉर्म है। अब हाउ टू गेट, क्वेश्चन ये है कि हाउ टू गेट, ये हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसका सिंपल जो तरीका है, सिंपल तरीका है, ठीक है ना, तो इसका जवाब ये है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करना है द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों को डिवाइड करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाय HCF, ठीक है ना, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये भी एक बात हो गई। अब देखें मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ज्यादा अच्छी होती है कि आप समझ जाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखें आप कहते हैं कि फाइंड सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, किस चीज का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, चाहिए आपका आपको 18/21, ठीक है ना, 18/21। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, अब देखें मैंने कहा कि डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
अब किसी दोस्त को ये नहीं पता कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, ये है आपके पास न्यूमिरेटर, ठीक है, और ये है आपके पास डिनोमिनेटर, ठीक है, ये दो चीजें आपके पास। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, किस चीज पे? आपने एच सी एफ पे डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एच सी एफ, ठीक है ना, एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये छोड़ें कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि एच सी एफ ऑफ 18, ठीक है, कैसे 18, ये देखें 2 9 या 3 3, ठीक है, तो एच सी एफ ऑफ 18 2 × 3 × 3, ठीक है ना, ये आपके पास इसका एच सी एफ हो गया, ठीक है ना। अब एच सी एफ ऑफ 21 कैसे करेंगे? 21 डिवाइड, ये डिवाइड नहीं, इसका आपने एच सी एफ फाइंड करना है, तो ये ठीक है ना, ये आपने कैसे करना है, 3 7, इसके फैक्टर्स निकालने, निकाल दिए, तो अब आपके पास क्या है, एच सी एफ ऑफ 21, ये आपके पास है 3 × 7 है। अब बात यह आ जाती है कि एच सी एफ ऑफ बोथ, ठीक है, सो यहां पे मैं लिख देता हूं एच सी एफ ऑफ, कौन कौन से हमारे पास, हमारे पास है एच सी एफ ऑफ 21 एंड 18, यही दो है ना, ये देखें यहाँ पे हमारे पास यही दो मौजूद हैं, ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि इन दोनों का जो एच सी एफ है वो क्या होगा, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का क्या होगा हमारे पास, ये चीज जाननी जरूरी है, तो वो होगा क्या जो इन दोनों में कॉमन है, आप जरा देख लें इनमें हाईएस्ट क्या कॉमन पॉसिबल है, 1 3 इसमें है और 1 3 इसमें है जो कि कॉमन है, ठीक है, बाकी उसमें 2 और 3 है 18 में, और 21 में 7 है, लेकिन वो कॉमन नहीं है तो आपने वो नहीं लेना, जस्ट आपके पास क्या आ गया एच सी एफ 21 और 18, यानी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का एच सी एफ आपके पास आ गया 3। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमने कहा डिवाइड करना है, ठीक है ना, बाय 21, ये हो गया, अब इसका मतलब ये है कि 18 को भी आपने डिवाइड करना है 3 पे, 21 को भी आपने डिवाइड करना है 3 पे, ठीक हो गया ना, जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो 18 को 3 पे तकसीम करें 6 और 21 को 3 पे तकसीम करें 7, सो दिस इज व्हाट द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया सिंपलेस्ट, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है, नंबर, अच्छा रेशनल नंबर कौन सा था आपके पास, 18 बाय 21। आई होप ये चीज आप सबको क्लियर हो गई होगी, एक्सरसाइज में ये चीज आ गई तो दोबारा मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको समझ लें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिसेप्रोकल, ठीक है ना, नंबर 3, आप कहेंगे कि रिसेप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, कल ऑफ अ रेशनल नंबर, आपके पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो उसका आपने क्या फाइंड करना है, रिसेप्रोकल फाइंड करना है, ठीक है ना, तो ये रिसेप्रोकल जो है इसको समझना है आपने, ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए आप ये याद रखें कि अगर मल्टीप्लिकेशन में आप रिसेप्रोकल की बात करते हैं तो वो क्या होगा, आप ये कहें फाइंड, ठीक है, रिसेप्रोकल ऑफ ऑफ क्या, रेशनल नंबर है ना, 2 बाय 3, ठीक है, सॉल्यूशन में आप आते हैं, ये मैं एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बहुत वाजे हो आपको कि ये क्या होता है, रिसेप्रोकल इसका उलट होता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है ना, आप कहेंगे कि लेट एक्स इज द रिसेप्रोकल ऑफ व्हाट, ऑफ 2 बाय 3, ठीक है ना, या आप ये कहें कि एक्स बाय वाई, ठीक है ना, अब जो मर्जी बटा फॉर्म में लिखते हैं या नहीं भी लिखते हैं, मैं नहीं लिखता, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि बस ये है मेरे पास एक्स है, ठीक है, तो
तो अगर ये है देन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि 2/3 को अपने रिसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे पास रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 3/2 से, और मल्टीप्लाई बाय एक्स तो ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे मैंने ये नुकता इस्तेमाल किया है डॉट, जो कि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे 1.3/2, ये क्यों? क्योंकि रूल ये है कि आप इस इक्वल, ये जो आपके पास एक है ना, मैं इसको जरा कर लेता हूँ दूसरे मार्कर यूज करके, ये देखें, ये जो आपके पास है ना, इसके एक साइड पे जो कुछ करेंगे आप वो दूसरी साइड पे भी वही कुछ करेंगे, ठीक है। तो एक साइड पे मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो दूसरी साइड पे भी क्या करूंगा, 3/2 से मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन ये है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, टू गेट एक्स, सिर्फ हमें एक्स चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो दैट्स वाई मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स रह जाएगा, क्यों रह जाएगा, ये देखें, 2 2, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, ऊपर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो भी कैंसिल, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे रह गया 1 और ये x, 1 मल्टीप्लाई बाय x, जस्ट x, और यहाँ पे आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2, जस्ट 3/2 आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। मैं फिर लिख देता हूँ आपको एक चीज आसानी के लिए, ये देखें, ये जो पूरा आपके पास है ना, इससे आपके पास आ रहा है 1, ठीक है ना, ये आ रहा है 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय x इज ऑलरेडी x, ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि ये रिसिप्रोकल क्या होता है, उसको हम कैसे हासिल करते हैं, ठीक है, और इसका मेथड क्या है। दूसरा ये था कि सिंपलेस्ट फॉर्म आपने कैसे लेना है रेशनल नंबर्स का, ठीक है, और कम्प्लेक्स फॉर्म आपने कैसे लेना है वो भी मैंने बता दिया। कम्प्लेक्स फॉर्म यानी बड़ा फॉर्म लेने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर से और डिवाइड भी करना होगा, ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको जो न्यूमिरेटर है और डिनोमिनेटर है उनका पहले लेना होगा HCF, उस HCF से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड, नहीं, उस HCF से डिवाइड करना होगा, तो न्यूमिरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी अलग अलग, तो जो जवाब आएगा वो आपके पास वो रेशनल नंबर होगा जो सिंपलेस्ट होगा, ठीक है। और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि रेशनल नंबर को हम एक नंबर लाइन पे कैसे जाहिर कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपको रेशनल नंबर की वैल्यू का पता होना चाहिए, उसी हिसाब से आप आगे जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में इस पे काफी काम है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप एक छोटा सा और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर लें। ये है एग्जांपल एक और है जो कि बुक के हिसाब से है, ठीक है, वो क्या है, आप कहेंगे कि रिसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, 13/15, तो आप सॉल्यूशन पे आएंगे, वही वाली बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। आप कहेंगे लेट एक्स इज द रिक्वायर्ड, क्या चीज, रिक्वायर्ड रिसिप्रोकल, ठीक है, ये आपके पास रिसिप्रोकल है रिक्वायर्ड, तो आप कहेंगे देन, ठीक है ना, देन क्या होगा, 13/15 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये आपको जवाब देगा क्या, 1 देगा जवाब, ठीक है। अब आपको जाहिर है बाकी पता है कि 13/15 को आप उल्टे से ज़रब दें, यानी 15/13, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय क्या, 15/13, क्योंकि एक साइड पे जो कुछ हमने करना है वो दूसरी साइड पे, ठीक है, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे एक्स रह गया और यहाँ पे आ गया 15/13, ठीक हो गया। सो आप ये कहेंगे कि 15/13 ये जो आपके पास है ये है रिक्वायर्ड, ठीक है, रिसिप्रोकल, ठीक है ना, रिसिप्रोकल ऑफ किस चीज का, 13/15 का, यही है ना, 13/15। बस इसको अगर आप वैसे गौर करें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है ना, ये देखें 13/15 और ये यहाँ पे 15/13, ठीक है, तो वो जो रिसिप्रोकल होता है वो उल्टा होता है इसका, ठीक है, उल्टा होगा तो जरब करेंगे तो क्या आएगा, 1 जॉब 1 आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज से पहले एक और टॉपिक है वो करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे